बारिश के कारण न्यूगलखड़ में बढ़े पानी के स्तर और उसके मार्ग बदलने से तहस नहस हो चुके पालमपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सौरभ वन विहार को फिर से पुराने रूप में लाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। सौरभ वन विहार को पहुंचे नुकसान और यहां पर आगे की संभावनाओं को देखने के लिए राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष रमेश दवाला ने सौरभ वन विहार का दौरा किया। इस दौरान प्राकलन समिति के सदस्य नरेंद्र ठाकुर और वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बारिश के कारण न्यूगल खड्ड में बड़े पानी के स्तर और उसके मार्ग बदलने से तहस नहस हो चुके पालमपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सौरभ वन विहार को फिर से पुराने रूप में लाए जाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सौरभ वन विहार को पहुंचे नुकसान और यहां पर आगे की संभावनाओं को देखने के लिए राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश दवाला ने सौरभ वन विभाग का दौरा किया। इस दौरान प्राकलन समिति के सदस्य नरेंद्र ठाकुर और वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। रमेश धवाला ने कहा कि प्रकृति से लड़ना मुश्किल है, लेकिन बारिश के पानी से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने और सौरभ वन विहार को पुराने रूप में लाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। धवाला ने कहा कि यह वन विहार भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार की सोच से बना था और शहीद परिवार के साथ लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस स्थान पर वन विहार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूगल खड्ड से पानी के बहाव को सौरभ वन विहार की ओर जाने से रोकने के लिए दीवार लगाने के साथ अन्य जो भी उचित होगा किया जाएगा। प्राकलन समिति व वन विभाग के अधिकारी यहां आने वाले अनुभवी लोगों के साथ मिलकर इस ओर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि झील में एकत्रित हुए मलबे को जल्द से जल्द निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नहीं है, जो हमारे साथ अधिकारी आए हैं मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप प्रिंट मीडिया से पत्रकार मित्र आए हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारी प्रकलन समिति के सदस्य आए हैं ठाकुर नरेंद्र जी, और ये मामला जो है ये हमारी प्राकलन समिति में एस्टिमेट कमेटी में ये मामला जो वो आया है, और आया है तो कुछ लोगों ने राय ऐसी दी कि वहाँ पे वाई डिड यू वेस्ट ऑफ मनी, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, और वहाँ एक वो खड्ड का कोर्स जो वो चेंज हो चुका है और उसमें जो भी पैसा खर्च किया वो बर्बाद हो चुका है, तो उसमें नेचर से कौन लड़ सकता है। अब ये बादल फटने से क्लाउड ब्रस्ट होने से कारण ये पानी जितना आया और पानी आने से ये नुकसान जो है वो सारा का सारा जितना इन्होंने डेवलपमेंट का काम किया था या लोगों को आकर्षित करने के लिए जो काम किया था वो सारे का सारा जो है वो तहस नहस हो चुका है, तो उसमें नेचर से तो कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन इसके लिए ये माननीय शांता कुमार जी का बड़ा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये ऐसे शहीद के नाम से जुड़ा हुआ है जिसने इस देश के लिए अपनी जवानी दी, कुर्बानी दी, और ऐसी उनके परिवार के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को भी ठेस ना पहुँचे, तो इसको हम ये टेक्निकल लोग यहाँ भेज करके, और ये और कुछ नहीं है, ये जो कोर्स चेंज हुआ है इसको चैनलाइजेशन करेंगे।